अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ बड़ी खबरें आपके साथ में शेयर करूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज की बड़ी खबर आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। जैसा कि आपको मालूम है, सऊदी हुकूमत की तरफ से विजन 2030 का ऐलान किया गया था, और यहाँ पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट के बारे में ऐलान भी किया था और उन पर काम भी जो है चल रहा था, जिसमें एक न्यू प्रोजेक्ट भी है। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं सऊदी अरब के जो फाइनेंशियल मिनिस्टर हैं मोहम्मद अल जदान, उनकी तरफ से खबर आई है, क्योंकि अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो है मीटिंग चल रही है सऊदी अरब के अंदर। तो उन्होंने अपने लेक्चर में ये कहा है कि सऊदी अरब की इकोनॉमी को देखते हुए जो विजन 2030 का ऐलान किया गया था और जो प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया था, तो उन प्रोजेक्ट के जो साइज है उनको अब छोटा कर दिया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मीडिया की तरफ से एक रिपोर्ट आई है, जिसमें यह बताया गया है कि जो न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहा है तबुक के अंदर, जहाँ पर 170 किलोमीटर एक लंबा शहर जो है बनाने के बारे में बात कही गई थी, द लाइन प्रोजेक्ट के नाम से, जिसकी लंबाई 170 किलोमीटर थी, लेकिन सऊदी अरब की इकोनॉमी को देखते हुए अब इसको घटा करके सिर्फ 2.4 किलोमीटर कर दिया गया है। तो आप इससे खुद अंदाजा लगाइए कहाँ 170 किलोमीटर और कहाँ सिर्फ 2.5 किलोमीटर। वहीं दोस्तों, एक खबर सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तरफ से आई है। तो जैसा कि आपको मालूम है, सऊदी अरब के अंदर कोई भी गैर मुल्की सऊदी शहरी के नाम पर कारोबार नहीं कर सकता। काफ़ी जो है यहाँ पर कैंपेन चलाए गए थे, अभियान चलाए गए थे, काफ़ी गैर मुल्की लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया था, जुर्माने लगाए गए थे, जेल की सजाएं हुई थी, और यहाँ से उनको डिपोर्ट भी कर दिया गया था। लेकिन अभी भी जो है बहुत सारे ऐसे गैर मुल्की हमारे भाई हैं जो कि सऊदी शहरी के नाम पर, कफील के नाम पर अपनी दुकान चला रहे हैं, अपना कारोबार चला रहे हैं। लेकिन आप यहाँ पर खबर में देख सकते हैं, जिसमें यह बताया गया है कि एक गैर मुल्की और 3 सऊदी शहरियों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि गैर मुल्की इनके नाम पर अपना कारोबार कर रहा था। और ये कारोबार कितना बड़ा हो सकता है, आप इससे अंदाजा लगाइए। कि खबर में यह बताया गया है कि ये कारोबार 200 मिलियन रियाल से भी ज्यादा का था। तो एक खबर रियाद से आई है, रियाद पुलिस ने 8 गैर मुल्की लोगों को गिरफ्तार किया है जिनका ताल्लुक सीरिया से है, और रियाद के अंदर ये लोग डकैती कर रहे थे। और खबर में यह बताया गया है कि पहले इन्होंने 2 गाड़ियों को चोरी किया, उन गाड़ियों से रियाद के अंदर जो बिल्डिंगें बन रही हैं, घर वगैरह बन रहे हैं, तो वहां पर जो बिल्डिंग मटेरियल था उसको चोरी कर रहे थे। इसके अलावा रास्ते में गुजरने वाले लोगों को गन पॉइंट पर लूट रहे थे, उनके मोबाइल, उनके पर्स जो है छीन रहे थे। इन सभी 8 गैर मुल्की लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वही दोस्तों, एक खबर सऊदी अरब के अंदर ट्रेन के बारे में आई है, और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा सऊदी अरब के अंदर जितने भी जुर्माने लगाए जाते हैं वो बहुत ही ज्यादा होते हैं। तो आप खबर में देख सकते हैं, जिसमें यह बताया गया है, अगर कोई भी मुसाफिर सऊदी अरब के अंदर ट्रेन की विंडो से अपना हाथ या पैर बाहर निकालेगा तो उस पर 20,000 रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा। और दोस्तों, कल की वीडियो में ना आपको बताया था कि सऊदी अरब के अंदर जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है, वहां पर जो वर्कर काम करते हैं, उनको सऊदी अरब की जो नेशनल ड्रेस है, तोप गोत्रा या समाज, वो जो है पहनना होगा। लेकिन यहाँ पर एक और खबर आई है, अगर मान लीजिए आपका कोई काम है जितने भी सऊदी अरब के अंदर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है उनके अंदर, तो फिर आप वहां पर शॉर्ट और टी शर्ट पहन करके नहीं जा सकते। तो इस चीज़ का भाई आप सभी लोग ख्याल रखें, क्योंकि बहुत गैर मुल्की हैं जिनका काम जो है जैसे जवाजात में, किसी कोर्ट में या किसी और गवर्नमेंट सेक्टर में जो है आपका काम होता है, वहां पर आप शॉर्ट पैंट और टी शर्ट पहन करके नहीं जा सकते। इसके अलावा एक खबर किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट रियाद से आई है, यहाँ पर यह बताया गया है फिलाई नास एयरलाइंस लैंडिंग करते हुए रनवे से फिसल गई और मिट्टी में जाके रुक गई, अल्हम्दुलिल्लाह इससे कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। इसके अलावा चाइना की एक वीडियो दिखाना चाहूंगा जो कि सऊदी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। चाइना सिविल डिफेंस की तरफ से ड्रोन का एक सही इस्तेमाल किया जा रहा है आग को बुझाने के लिए, और आप वीडियो में भी देख सकते हैं। और खबर में ये बताया गया है, क्योंकि अभी जो है गर्मी का मौसम शुरू हो गया है तो जंगलों में आग लग जाती है, और ऐसी जगह जो है आग लग जाती है जहां पर जो सिविल डिफेंस की गाड़ी है वो वहां पर नहीं पहुंच सकती। पहली बात तो यहां पर यह बताई गई है कि ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन चाइना सिविल डिफेंस वालों ने ऐसा बम भी तैयार किया है जिसको आग के ऊपर छोड़ दिया जाता है और वो फटता है, और उसके अंदर से आग बुझाने वाला पाउडर निकलता है जिसकी वजह से तुरंत आग बुझ जाती है। इसके अलावा आप लोगों की तरफ से काफी सारी कमेंट आई है, काफी सारे लोगों ने व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज किया है जिसमें वो उम्रे की वीजा मांग रहे हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है, अभी उम्रे की वीजा या पर्सनल विजिट वीजा नहीं निकल रही है, हज के बाद ही जो है आपको पर्सनल विजिट वीजा या उम्रे की वीजा मिलेगी। लेकिन अभी भी जो है काफी लोग अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हैं, कुछ लोग यहाँ पर उम्रा भी करना चाहते हैं, तो अभी तो उम्रा जो है कर सकते हैं, उम्रा तो बंद नहीं हुआ है। तो अगर आप में से कोई भी अपनी फैमिली को बुलाना चाहता है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं टूरिस्ट वीजा के लिए, क्योंकि टूरिस्ट वीजा भी जो है 90 दिन की ही आ रही है, और ये मल्टीपल एंट्री होती है, एक साल के अंदर अंदर आप
90 दिन सऊदी अरब के अंदर रुक सकते हैं। चाहे लगातार अगर आप रुकेंगे 90 दिन तो ये वीज़ा ख़त्म हो जाएगी, या थोड़ा थोड़ा करके भी 90 दिन एक साल के अंदर आप पूरा कर सकते हैं। तो अगर आप में से किसी को भी सऊदी अरब का बिजनेस वीज़ा चाहिए एक साल वाला, या आपको टूरिस्ट वीज़ा चाहिए 90 दिनों वाला, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।